कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है, कुछ कमेंट है जिनको यहाँ पे लेकर आया हूँ। 10-12 कमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो जो भी आपने सवाल पूछे हैं कल मैं कोशिश करूँगा, या इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा, कम से कम वहाँ पे 40-50 समथिंग में आपके जो डाउट है, जो क्वेश्चंस हैं, या जो भी आपने कमेंट करिए हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पे, वो हमने यहाँ पे लेकर आए आपके सवालों के आंसर दे। हालांकि जब भी आपने हमसे पूछा है तो हमने वहीं पे उनका आंसर दिया है, किसी भी चीज़ को अनआंसर नहीं रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि जो सवाल आपका है वो सवाल कम से कम आप मान लीजिए काफ़ी बच्चों का होता है, तो एक जब आप कमेंट करते हो सवाल पूछते हो तो काफ़ी बच्चों के डाउट क्लियर कर देता है। तो मैं जस्ट अभी 10-12 यहाँ पे लेकर आया हूँ सवाल जो बच्चों ने मेरे से कमेंट में पूछे हैं, और वो आपको भी हेल्प करेंगे। चलिए देखिए, पहले बच्चे ने पूछा, इनका नाम कश्यप है, सर मैं हल्का सा कभी कभी हकलाता हूँ, क्या करें सर, प्लीज़ हेल्प रिप्लाई। देखिए मैंने आपको, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, ये बात लॉकडाउन से पहले की, उसकी इंग्लिश, उसने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करी थी, इंग्लिश थी काफ़ी अच्छी थी, और वो जीडी में बाहर हुआ था, लेकिन वो बोलने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो वहाँ पे जाने के बाद एकदम, वो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, वो बोलते बोलते अगर एकदम अटक जाए तो फिर वो अटक जाता था, फिर वो बोल नहीं पाता था। तो देखो इसमें क्या होता है कि वो जो एयरमैन या जो भी ऑफिसर आपका ग्रुप डिस्कशन लेंगे, उनके अंदर भी दिल होता है, वो बहुत आपको सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, वो आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप वहाँ पे अगर घबरा गए, डर के कारण आप जो नॉर्मली हकलाते हैं या अटकते हैं उससे अगर ज़्यादा अटक गए, हकला गए, और आपको जो पूछ रहे हैं आप नहीं जवाब दे पाए, तो चाह के भी आपको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आगे चल के उनको लगेगा कि इनको प्रॉब्लम हो सकती है जब ये और ड्यूटी करेंगे। तो अगर आप हकलाते हैं तो आपको वहाँ पे एक तो कॉन्फिडेंस रहना है, प्रेशर नहीं लेना है, बोलना है, ये सोचना ही नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम है। प्लस अभी भी जितना भी आपका समय है, मतलब जिस तारीख को भी आपका अपने फेस टू स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप मिरर के आगे कोई भी हिंदी या इंग्लिश, इवन मैं चाहता हूँ इंग्लिश, आप अभी जैसे इंग्लिश में आप जीडी देंगे तो मिरर के आगे ज़ोर से उसको पढ़ें सुबह शाम 10-10 मिनट, तो आपको जो बोलने की प्रॉब्लम है थोड़ी उसमें हेल्प रहेगी। और वहाँ जाने के बाद देखिए, अगर आप बोलोगे, कोशिश करोगे, चाहे आप हकला रहे, तो उनका पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे SSP के लिए नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो एयरमैन के लिए, तो उनका पूरा सपोर्ट रहेगा आपको लेने का। लेकिन आप डर के कारण जो आपके प्रॉब्लम, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम बना दोगे तो फिर वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो आपको बस डरना नहीं है, बाकी हकलाने से आपको बाहर नहीं निकालेंगे, उनका पूरा 100% सपोर्ट रहता है बच्चों की। ये मैंने पिछले 4-5 साल से देखा है, और मैं मानता हूँ पिछले 5-6 वैकेंसी मैंने देखा बच्चों को लेने को उनका पूरा सपोर्ट रहता है। वो इवन बोलते हैं बेटा आप बोलो, हमारा पूरा आपका सपोर्ट है, आप घबराओ मत, डरो मत। तो हकलाने की प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं होगे, आपको वहाँ डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। सेकेंड मेरे स्टूडेंट ने पूछा है, तुम बहुत जल्दी उठ जाओगे। राइट, उठ जाओगा क्या मतलब है? डेफिनेटली वो मेरे चैनल के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा, कि अपने जो वीडियो अलग क्वालिटी के, यहाँ पे कोई प्रचार उस टाइप का वीडियो नहीं है। अगर हम आगे चल के मान लीजिए इस टाइप की कोई पेड सुविधा देते हैं तो भी ये जो हमारी फ्री सर्विस है कंटिन्यू रहेगी, और बिल्कुल हम डेडिकेट है एयरफोर्स के लिए, स्पेशली वाई ग्रुप एक्स ग्रुप के लिए हम डेडिकेट है हमारे स्टूडेंट्स हमारे कैंडिडेट्स के लिए। तो उन्होंने तो पक्का दुआ दी है कि आप बहुत जल्दी उठ जाओगे, तो उठ जाने का मतलब है कि चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ये मेरे स्टूडेंट है, इनका जो नाम है अभय त्रिपाठी नाम है इनका। चलिए नेक्स्ट है, सर सेटअप में हाथ हल्के रुक कर करने में हाथ क्लोज करके प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, जब आप सेटअप करोगे तो मैं आपको बता दूँ, देखिए पुशअप के समय आपको जो बॉडी का पिछला भाग गिराना नहीं है, हाथ को मैं आपको बताना चाहूँगा, हाथ को ऐसे फड़फड़ाना नहीं है, हाथ को बिल्कुल ऐसे रखना है पीछे की तरफ। हाथ अगर आप पुशअप में ऐसे रखे तो ये नेगेटिव पॉइंट है, हाथ को बिल्कुल ऐसे रखना, हाथ पीछे जाने चाहिए आपके। ठीक है, पीछे वाली बॉडी आपकी लहरानी नहीं है, या शरीर या बॉडी का कोई भी हिस्सा पुशअप के समय टच ना हो। अगर अपन बात करें सेटअप में, सेटअप में जो आपके हाथ है वो ऐसे सीधे रखेंगे, सीधे रख के आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ का जो बैलेंस आ रहा है बिल्कुल सही है, जो पाँव आ रहे हैं वो ज़मीन से ऊपर ना हो। अगर आपका पाँव नीचे से ऊपर हो गया तो आपको निकाल देंगे। रही बात स्केट की, स्केट में जो हाथ रहेंगे आपके वो बिल्कुल सीधे रहेंगे, जो बॉडी जो पाँव है वो उसके आगे नहीं आना चाहिए। तो सिटअप की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब उठते हैं सिटअप में तो आपके जो पाँव है वो ऊपर ना हो जाए, अगर पाँव ऊपर हो गए तो आपको निकाल सकते हैं। इसलिए खासकर फिजिकल को ध्यान दीजिए, क्योंकि जीडी आसान रहता है एयरफोर्स में, जीडी में बच्चे के बाहर निकले चांस बहुत कम है। तो पुशअप को बिल्कुल सीरियस लें। तो जो भी आपके सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे को लगा है आपका सोल्यूशन हुआ होगा, तो इसका नाम जो ने पूजा भरी यहाँ पे नाम लिखा है, नाम इन्होंने पूरा लिखा नहीं है, तो इसका सोल्यूशन मुझे उम्मीद है आपको मिला होगा। सर वेयरकोज वेन का पॉइंट मिलता है, बिल्कुल जो पाँव की नाड़ियाँ होती है जो, उसमें देखिए पॉइंट आपको मिलेगा एक बार। लेकिन अगर एयरफोर्स में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आर्मी से एयरफोर्स का मेडिकल आप कंपेयर मत कीजिए। एयरफोर्स से मान लीजिए आप जाओगे, मान लीजिए आपका 45 का बैच है, 45 के बैच में से मान के चलिए कम से कम 38 से 35 जनों को री मेडिकल मिलेगा, नो डाउट।
ठीक है, केवल आप मान लीजिए 6 से 8 बच्चे ही फर्स्ट डे क्लियर होंगे, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन नीर मेडिकल में 38 में से आप यकीन मानिए 35 से 36 बच्चे क्लियर हो जाएंगे। एयरफोर्स के मेडिकल को आप आर्मी का लेवल का मत ले लीजिए, आर्मी क्लर्क के आर्मी जीडी में मेडिकल बहुत लेवल का होता है। वहाँ पर जब 45 बंदे जाते हैं तो मुश्किल से 6-8 बंदे पास होते हैं, यहाँ पर जब 45 बंदे जाते हैं तो आप मान लीजिए री मेडिकल में 38 बंदे पास हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 या 3 बंदे 4 बंदे बाहर निकलेंगे जिनके जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होगी, या मान लीजिए कर्म खराब होंगे, किस्मत खराब होगी। मैंने तो बहुत ऐसे जेन्युइन जो बच्चे बिल्कुल फिट हैं उनको बाहर निकलते हुए देखा है, और कई बार यहाँ वहाँ थोड़े बहुत कमी वाले बच्चों को भी अभी आज नौकरी कर रहे हैं। तो मेडिकल सिर्फ अपना भगवान, अपना राम, अपना मालिक है, तो वो समय काम आता है, वो दिन काम आता है, लेकिन आप अपनी मेहनत करिए, मेहनत करना आपके हाथ में, जो कि आपके पास फिजिकल और जीडी है, बाकी मेडिकल ऊपर वाले के हाथ में है। तो आपका जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जो नस है बाहर दिख रही है, एक बार पॉइंट मिल सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा आती है या रनिंग के कारण ज़्यादा बाहर आ जाती है, उस टाइम फिजिकल की एक्टिविटी के कारण ज़्यादा बाहर आती है, लेकिन री मेडिकल में अगर जेन्युइन प्रॉब्लम, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका री मेडिकल क्लियर हो जाता है, क्योंकि एयरफोर्स में री मेडिकल क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पर सुरेश चौधरी हैं, जो मेरे ख्याल से जोधपुर से ही हैं। जय हिंद गुरुदेव, आपने हमें मोटिवेट कर दिया। देखिए, गुरु का काम ये मोटिवेट करना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने फेज 1 का रिटर्न निकाला है तो आपने एक चुनौती क्लियर करी है। अब फेज 2 में बाहर होना तो ये अपनी गलती होगी, तो अपन अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, बाकी जो अपने कर्म है, जो अपनी मेहनत है, वो अपना साथ देगी। तो इसमें अपन अपनी तरफ से फिजिकल है, ग्रुप डिस्कशन, इसमें गलती ना करें। मेडिकल जो भी अपने हाथ में वो आप ज़रूर करवाएं, जैसे कानों वैक्स है, दांत का है, आँख का है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको बताना चाहूँगा, मेडिकल में जैसे मैंने आपको पहले री मेडिकल मिल सकता है, उससे कोई उदास हताश होने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी फ्रॉड के बातों में आना है, बहुत से फ्रॉड मिलेंगे। री मेडिकल आपका बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ 95-99% चांस है आपका क्लियर हो जाएगा। तो मोटिवेट करना हमारा काम है। देखिए सर, पुशअप होल्ड नहीं हो रहा है, 4 को जोधपुर फिजिकल है, ठीक है। ये बिश्नोई मेरे स्टूडेंट है, इन्होंने लिखा है सर। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जोधपुर होता क्या है, देखिए कहीं पे भी आपको ये चीज़, शायद ये लॉजिक काम करता है, चाहे कोई भी सेंटर हो, फर्स्ट डे होता है वाई ग्रुप का, जो स्टार्टिंग के 3-4 दिन होता है उसमें वाई ग्रुप के बच्चे ज़्यादा आते हैं। फिर आप मान लीजिए उसमें जब नेक्स्ट लेवल होता है तो उसमें एक्स ग्रुप के ज़्यादा आते हैं, तीसरे लेवल में बोथ वाले ज़्यादा आते हैं, राइट, या एक्स वाले लास्ट में आते हैं, बोथ वाले बीच में आते हैं। तो जोधपुर का पहले का इतिहास रहा है कि जोधपुर में पुशअप में उनको 8 से 10 सेकंड का गैप दिया है, तो जोधपुर में आपको तो जानूंगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस वक्त आपको कौन ऑफिसर मिलेंगे, कैसा एयरमैन होगा, कैसा दिन होगा, क्या उनको टारगेट दिया होगा, कितने बच्चों को क्लियर करना, उनको दिमाग में क्लियर होगा। तो होल्ड आप कम से कम 5-6 सेकंड का तो मान के चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में 10 पुशअप निकालनी है। तो जब भी आप मैदान में सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को अपने साथ रखें, जो बच्चा या फ्रेंड आपके फैमिली मेम्बर कोई भी है, वो आपको कम से कम 6 से 8 सेकंड का होल्ड करवाए और आपकी बॉडी कांपे ना, ये प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको एयरफोर्स का जो फिजिकल है वो बिल्कुल आर्मी जीडी की तरह तैयार करना है, तो आपको एयरफोर्स में कोई टच नहीं कर पाएगा। पहले की तरह जो लॉकडाउन से पहले लाइट फिजिकल होता था, घूमते फिरते हो जाता था, एयरफोर्स का फिजिकल अभी भी एक चैलेंज है, तो और लेकिन ये हो जाता है, अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वेटिंग की, कि वेट नहीं हो रहा, इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल हो जाएगा। और 4 तारीख को आप जोधपुर में रहेंगे, तो जोधपुर में फिजिकल के लिए आपको अभी से स्टार्टिंग से भाई हमारी दुआएं हैं कि आपका फिजिकल क्लियर हो जाए। देखिए फिक्स है अपने एक एजुकेशन वाला करके हमारे स्टूडेंट, उन्होंने लिखा सर असम गुवाहाटी का फिजिकल का रिव्यू डाल दीजिए। असम में मेरे जितने भी स्टूडेंट गए हैं, कोई भी फिजिकल या जीडी में बाहर नहीं हुआ है। पिछली जो वैकेंसी जस्ट अभी जो ये बेलगांव गए हैं 23 तारीख के आसपास, तो इसमें बताना चाहूँगा गुवाहाटी में कम से कम 5 से 6 बच्चों का था जीडी और फिजिकल, एक भी बच्चा बाहर नहीं हुआ, तो 100% वाकई एक्यूरेसी है। तो गुवाहाटी वाले तो बिल्कुल ना डरें, बेफिक्र होके जाएँ, कहीं के भी ना डरें, केवल अपनी मेहनत पर बिलीव रखें, बाकी देने वाला वो है, उससे ज़्यादा अपन को मिलेगा नहीं और अपने लिखा हुआ कोई छीन नहीं सकता। नेक्स्ट मेरे स्टूडेंट है कुलदीप प्रजापति, इन्होंने लिखा है सर मेरा फेज 1 का एडमिट कार्ड ट्रेन में चोरी हो गया था, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। देखिए एडमिट कार्ड फेज 1 का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर सील वील होती है। अगर आपके साथ कोई रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आपका अगर रेलवे में चोरी हुआ तो हो सकता है आपने उस टाइम कोई कंप्लेन करवाई हो, तो कंप्लेन आप साथ लेके जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हो डिजी लॉकर में। मेरे जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल, देख लिखा होता है वहाँ पे नेसेसरी है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वो आपको निकालेंगे नहीं, आपको एक तरफ ज़रूर बिठाएंगे, लेकिन आपको फेज 2 करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे, आप रनिंग जीडी सब आपको करने देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इंसान है, इंसान में तो प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे हैं, कहीं गलतियाँ हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई FIR की कॉपी है या आपके पास ऑनलाइन है, तो आप उनको प्रोवाइड करवाइएगा।
अगर आप किसी तरह से उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, फिर भी अगर नहीं हो सकता है तो जेन्युइन प्रॉब्लम जैसे आपके 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, 12th की मार्कशीट है। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि भाई जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास 12th क्लास का एडमिट कार्ड नहीं, तो एडमिट कार्ड को इतना संभाल के नहीं रखता है तो मुझे नहीं लगता उससे कोई भी प्रॉब्लम आएगी। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपकी आईडी, आधार कार्ड, ये आपको लेके जाना है, और फेस वन का एडमिट कार्ड जो आपको मिला है, फेस टू का कलर प्रिंट जो आप डाउनलोड करके जा रहे हैं, तो ये आपको लेके जाना है। तो अगर एडमिट कार्ड चोरी हुआ है तो अगर आपके पास कोई FIR की कॉपी है लेकर जाएं उसकी कॉपी, या मान लीजिए आपके ऑनलाइन अवेलेबल उनको दिखाएं फिर भी नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको निकालेंगे नहीं, एक बार जरूर साइड में बिठाएंगे, लेकिन वो आपको फिर भी दौड़ाएंगे, आपसे बात करेंगे। जब होगा क्या, जब आपको साइड में एक बार बिठा देंगे तो ऑफिसर आएंगे बाद में, वो आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो करेंगे। सर मेरी जो ये मेरे स्टूडेंट है रविश, इन्होंने लिखा है सर मेरी हाइट 154 है, वेट कितना चल सकता है? हाइट और वेट का जो ऑफिशियल एयरफोर्स की वेबसाइट है वो हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर हम पूरा जो ऑफिशियल वुमेन गर्ल्स के लिए और मेल के लिए जो चार्ट है वो मैं वहाँ पे ग्रुप में अपलोड कर दूँगा उसका स्क्रीनशॉट लेके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरा एक स्टूडेंट था धनंजन सिंह, उन्होंने 15 दिन में 11 से 12 केजी वेट तोड़ा था। अगर आपका वेट कम है तो आप केले खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, 2-2.5 किलो से फ़र्क पड़ेगा। वेट ज़्यादा है या कम है आपको री मेडिकल का पॉइंट मिलेगा और 3-4 किलो री मेडिकल में एडजस्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है कि वहाँ पे अगर वेट ज़्यादा है तो दौड़ा दौड़ा के वो आपको अपना फिट बनवा देंगे, और वेट कम है तो डिफेंस में आप एकदम फिट हो ही जाओगे। तो वेट एक बार आपको री मेडिकल मिल सकता है, अगर आप अभी तोड़ सकते ठीक है, लेकिन अभी जैसे फेज टू की तैयारी कर रहे हैं तो वेट खाना नहीं खाने से कमजोरी आ सकती है, तभी आप खाएँ। और जो प्रॉब्लम है कि वेट री मेडिकल में क्लियर हो जाता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वेट कम हो जाएगा आपका, कम या ज़्यादा जो भी है, इसका मैं चार्ट एक बार डाल दूंगा कि काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं। अब देखिए इसमें एक नितिन, मेरे स्टूडेंट नितिन शर्मा, उन्होंने पूछा है सर खुद का इंट्रोडक्शन और टॉपिक को इंट्रोडक्शन करते समय कहाँ देखना है और GD करते समय कहाँ देखना है, कहाँ से मतलब किसकी तरफ देखना है? देखिए सिंपल सी बात है, जब आप वहाँ पे ग्रुप आपको बिल्कुल यू आकार में ऐसे बिठाया जाएगा, ठीक है, तो जो भी आपके सामने ऑफिसर होगा, एयरमैन होगा, जब आप ग्रुप डिस्कशन में या आप मान लीजिए इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको आदत बनानी है, चाहे इंट्रोडक्शन दें चाहे GD बात करें, तो आप एकदम एक स्टार्टिंग अपने एयरमैन जो सीनियर है या जो अपने ऑफिसर उनकी तरफ देख के कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल माई फ्रेंड्स, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड सर्कल बैठे हैं सबकी तरफ नज़रें घुमानी है। अब ये बिना प्रैक्टिस के एकदम होगा नहीं, आप प्लान करके नहीं जा सकते, आप ऐसा प्लानिंग नहीं बना सकते कि जब मैं वहाँ बोलूँगा तो मैं सबकी तरफ देखूँगा, अभी तो मैं किसी तरफ नहीं देख रहा, ये आदत होती है, धीरे धीरे आती है, क्लियर। उस समय आप दिमाग में रखने की कोशिश करें कि जो भी आपके साथी बैठे हैं जिस भी आकार जहाँ पे भी आपका नंबर आता है तो आप सबकी तरफ देखने की कोशिश करें, फिर उस ऑफिसर की तरफ देखने की भी कोशिश करें, आइस कॉन्टैक्ट सबसे होना चाहिए, ऐसा लगे कि आप सबसे बात कर रहे हो। मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हो ऐसे चढ़ के बात कर रहे हो तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन एयरफोर्स में ले लेते हैं क्योंकि एयरफोर्स में वो जानते हैं कि भाई 12वीं पास बच्चा आया है, एक नॉर्मल फैमिली से, एक गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास से बच्चा आया है, इसने गाँव में एजुकेशन किया है, इतना भी इनको नॉलेज नहीं है, तो आप SSB के लिए जा नहीं रहे, तो उनका पूरा सॉफ्ट कहना रहता है आपके लिए। लेकिन फिर जब भी आप बात कर रहे हो तो ऑफिसर या जो भी आपके फ्रेंड है सबकी तरफ देखें और आंखें आराम से एक एक करके तरफ सबकी तरफ, यानी कि किसी एक की तरफ देखा फिर मजे करें, बाकी उसी की तरफ देख रहे हैं वो बेचारा शर्मा के आंखें नीचे कर ले, तो आपकी सबकी तरफ देखते रहना है। पर अगर बिना प्रैक्टिस के एकदम होगा नहीं, तो अगर एकदम ना हो तो फिर आप जितना अच्छा कर सकते हैं सर की तरफ देखने का देखें, यहाँ वहाँ ना देखें, नीचे ना देखें, ऊपर ना देखें, कम से कम ऑफिसर से, एयरमैन से, जो आपके फ्रेंड्स है सबसे आंखें घुमाएं, वरना थोड़ा थोड़ा किसी की तरफ सबकी तरफ देखते रहे, सबसे बेस्ट तरीका होता है, पर बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं। सर अभी तक एडिशनल सर्टिफिकेट फिल नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे स्टूडेंट मनीष कुमार, एडिशनल सर्टिफिकेट आपको जो फेज टू के लिए उसे फिल करें, प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? अभी तक तो नहीं होगी, लेकिन उसको फिल करें और टाइम पे अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विदाउट शूज रनिंग अलाउ करते हैं? ये मेरे स्टूडेंट है सुमित, बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं, आप नंगे पाँव दौड़े, आप जूते पहन के दौड़ें, रोड पर नंगे पाँव थोड़ा हो सकता है कि आपको अटपटा लगे क्योंकि एकदम जूतों की आदत होती है, ग्राउंड में नंगे पाँव अपन दौड़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आप जा रहे हैं ज़्यादातर 99% चांस वहाँ पे रोड है, तो आप नंगे पाँव अगर कंफर्टेबल है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आप दौड़ें, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे नंगे पाँव को दौड़ने के लिए। और मेरे स्टूडेंट सर SRT होगा क्या इस बार? SRT कैंसिल हो चुका है, SRT की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, तो SRT को लेकर आप बेफिक्र रहिए। तो कुछ ये कॉमन सवाल थे, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा है हिमांशु चौधरी ने सर ओवरवेट कितना चल सकता है? ओवरवेट आपको री मेडिकल मिलेगा, अगर ज़्यादा है 3-4 किलो एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा है तो आपको वापस जो
प्री मेडिकल की डेट आएगी तो 15 पहले तो कम टाइम मिलता था, इस बार आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो आप वहाँ पे अपने अपना कंट्रोल करें डाइट वाइट पे, वेट टूट जाएगा। धनंजय सिंह का एक वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में सिलेक्शन वाली, उसमें जाके आप देखें तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये मेन थे, बाकी हाइट का जो भी है मैं इसमें कमेंट डाल दूंगा। तो कुछ सवाल थे जो बच्चों के मैंने सॉल्व किए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगे। और अगर आपको ये अच्छी लगती है सीरीज़ तो मैं कल जो 40-50 क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा जो भी बच्चों ने पूछा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सवाल है ज़रूर पूछिएगा। और सबको फेज़ टू के लिए अभी से शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे क्लियर करेंगे। और ये एयरफोर्स की जो अग्निवीर की भर्ती एक्स वाई ग्रुप की, ये इस बार आपके लिए, आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। चलिए, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।